Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to learn past continuous tense. सबसे पहले पहचान past continuous tense की पहचान होती है sentence रहा था, रही थी, रहे थे पर खत्म होता है. Formula of this sentence tense is subject plus helping verb plus verb की first form के साथ ing plus object. Example, दीपक स्कूल जा रहा था. हेयर रहा था मींस दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दीपक स्कूल जा रहा था, दीपक वॉज गोइंग टू स्कूल. हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस के हैं वॉज एंड वर. वॉज फॉर सिंगुलर एंड आई, आई के साथ भी वॉज यूज होता है, वर प्लूरल के लिए आता है. दीपक वॉज गोइंग टू स्कूल में दीपक इज सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दीपक सिंगुलर है इसलिए was use करेंगे. Going verb की first form plus ing and rest का sentence is object to school. Second sentence is हम पतंग उड़ा रहे थे. We were flying kites. We subject, verb helping verb, verb की first form साथ ing and object. Third one is मैं खाना खा रहा था. I was eating food. Hello students, as you know, practice makes a man perfect. I am giving you practice section. These are sentences for your practice, and there are each different types of sentences. These are affirmative sentences, these are negative sentences jo nahi wale hote hain, and as you know there are two types of sentences which are in interrogative jo kya se shuru hote hain aur wo jinme question word beech mein aata hai, jaise kyun, kya, kaise. मैंने आपको सभी तरह के सेंटेंसेस दिए हैं. फर्स्ट गो फॉर दीज सेंटेंसेस, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन आई गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ दीज सेंटेंसेस. बेटर ये होगा कि पहले सेंटेंसेस आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब मैं आगे आपको इंग्लिश में उनका सॉल्यूशन दूं तो आप उनके साथ अपने आंसर्स को टैली कर सकें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर योर क्वेश्चंस. फर्स्ट गो फॉर द हिंदी सेंटेंसेस, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें एंड देन टैली योर आंसर्स विद दीज सॉल्यूशंस. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट द अपडेट्स ऑफ ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज. ऑल्सो लाइक एंड शेयर.